जय हिंद दोनों फिल्म। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो कि बेसिक्स था नॉकआउट फिक्शन के बारे में, प्लीज आप उसको जरूर देखिए क्योंकि आपका बेसिक्स वहीं से स्ट्रांग होगा। तो मैंने वहां आपको बताया कि टीमों को डिवाइड कैसे करते हैं, हाफ में क्वार्टर में बाय कैसे देते हैं। तो फिक्शर्स के लिए जो बेसिक्स है आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी एग्जाम्स में गलती ना करें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 12 टीमों का फिक्शर हम कैसे बनाएंगे। ओके चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये 5-6 पॉइंट दिमाग में बिल्कुल बिठाने पड़ेंगे। ये आपके हर फिक्स्चर का बेस है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ टीम्स, टोटल कितनी नंबर ऑफ टीम्स आपके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आ रही है। मान लीजिए मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी टीमों ने मेरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। 10 ने किया है, 15 ने किया है, 20 ने किया है, 12 ने किया है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि वो जो टीम्स हैं हम उनको हाफ में डिवाइड करने वाले हैं कि क्वार्टर में। जैसे मैंने आपको पिछले बेसिक्स वाली वीडियो में बताया है 16 से कम टीमें होंगी तो हम उनको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, अगर 16 से ज्यादा होंगी तो हम उसको 4 हिस्सों में मतलब 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे। ओके मैं बार बार बोल रही हूँ, बेसिक्स वाला वीडियो जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो जाए कि आप लाइफ में कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे गलत ना करें। अब देखना है हमें तीसरी चीज कि हम कितनी बाय देंगे, कितनी टोटल बाई हम अपने टूर्नामेंट में देने वाले हैं। और बाई क्या होता है, जो टीमें पहले हाफ में पहले राउंड में नहीं खेलती हैं वो टीमें होती हैं जिनको हम बाई देते हैं। अब बाई कितनी देंगे हम हाफ में और क्वार्टर में तो बता चुकी हूँ ऑलरेडी और आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने राउंड होने वाले हैं टूर्नामेंट में ये आपको पता होना चाहिए और कितने टोटल मैचेस होंगे टूर्नामेंट के। तो ये कुछ ऐसे खास पॉइंट है जो कि आपको फिक्स्चर बनाते टाइम हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी आप फिक्स्चर बनाने बैठे। तो ये आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम टीम्स का डिवीजन, टीमों को डिवाइड कैसे करेंगे। अब हमारे पास कितनी टीम है, हम 12 टीमों का फिक्स्चर बना रहे हैं। 12 क्या है, 12 है इवन नंबर। ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में कि जब इवन नंबर ऑफ होता है मतलब हमारे पास जो टीमें आई हैं खेलने के लिए वो 2 से भाग होने वाली है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो इवन टीम्स होती है। अगर हमारे पास 12 टीमें खेलने आई तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टीम। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल कितनी टीमें हमारे टूर्नामेंट में खेलने आई हैं। तो एन डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला है टीम्स को 2 हाफ में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 12 था, 12 टीमें खेलने आई थी, 12 को हमने 2 से डिवाइड किया कितना आया 2, 6 या 12। इसका मतलब दोनों हाफ में अपर और लोअर हाफ में 6-6 टीमें हो जाएंगी। ठीक है, आगे मैंने किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 थोड़ा सा नीचे चला गया पर कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिए 6-6 टीमें होंगी बोथ अपर हाफ में एंड लोअर हाफ में। तो आप यहाँ पे मिड लाइन खींचेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे, ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ, ये आगे भी मैंने किया हुआ। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 12 टीम वाले टूर्नामेंट में। मैंने आपको बताया बहुत इजी फॉर्मूला है, n-1। n मतलब जितनी टीमें खेलने आई टूर्नामेंट में उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उतने मैचेस हमारे टूर्नामेंट में होंगे। तो नॉकआउट में अगर डायरेक्टली आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। मान लीजिए आप 12 टीमों का फिक्स्चर बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे 11। 15 टीमों का फिक्स्चर बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 14। 13 टीमों का फिक्स्चर बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 12। ठीक है, तो नॉकआउट अगर ये आपका 1 मार्क्स मारा तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट आंसर देना। आपको पता होना चाहिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट का जब हम फिक्स्चर बनाते हैं तो जितनी टीम्स हैं उससे 1 कम होगा मैच। ठीक है, तो यहाँ पर 12 टीमें आई हुई थी हमारी, तो 12-1 इसका मतलब हमारे टूर्नामेंट में होंगे 11 मैच। आगे देखते हैं, अब टीमों को हमने यहाँ पर 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। अब आगे देखते हैं कि हम बायस कैसे देंगे, बाय कितना देंगे। ठीक है, तो 12 टीमें हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी आप बाय देंगे तो मान लीजिए हम 12 टीमों को बाय देने वाले हैं तो हम जब तक 2 की पावर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक वो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे टूर्नामेंट में खेलने आई हुई है उससे ज्यादा ना हो जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, अब 16 बड़ा हो गया 12 से। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि
जो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा। आप कहने को तो 32 भी बड़ा है 12 से, लेकिन क्या पॉसिबल है? ठीक है, अब 32 में से 12 को माइनस करो, ठीक है, तो ये आपकी 20 बाय हो जाएंगी। तो 12 टीमों में आप 20 को बाय कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो ये आपकी सोचने की बात है कि हम जो पहली बड़ी पावर आती है हम हमेशा उसको लेते हैं, तो हम लेंगे 16 को ना कि 32 को। और बाय का मतलब ही क्या होता है यार? बाय का मतलब ये होता है कि जिन टीमों को आप बाय देंगे वो पहले राउंड में नहीं खेलेंगे, ठीक है। और देखो मान लीजिए 12 टीमों में से आप 20 को बाय देंगे, तो भाई ये तो टूर्नामेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, पहले राउंड में तो कोई खेलेगा ही नहीं। हम बाय देते ही इसलिए हैं ताकि हमारी जो टीम्स हैं वो परफेक्ट 2 के पेयर में आ जाए और हमारा टूर्नामेंट प्रॉपरली हो पाए बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर आप जब तक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 12 से बड़ी संख्या आपको नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16। यहाँ देखिए 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब 16 आते हैं हम रुक गए क्योंकि ये 12 से बड़ा है। अब 16 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार। इसका मतलब जब हम 12 टीमों का मैच कराएंगे, टूर्नामेंट कराएंगे 12 टीमों का, तो हमको 4 टीमों को बाय देनी पड़ेगी, ओके। अब बाय को डिवाइड करने का तरीका देखो, आपके तो 4 ही बाय है तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 2 अपर हाफ में हो जाएंगी, 2 लोअर हाफ में। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, मुझे 100% श्योर होना है, तो जो ये फॉर्मूला था हमारा टीम को डिवाइड करने का, ऐसा ही फॉर्मूला होता है ये इवन टीम्स को डिवाइड करने का कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स में से हम 2 उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम को, तो हमारी अपर लोअर हाफ की टीम आ जाएगी। बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है बाय निकालने के लिए। टीवी का मतलब होता है टोटल बाय डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल बाय हमारी कितनी आई है 12 टीमों के टूर्नामेंट में? 4, ठीक है। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 जा 4। इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों हाफ में, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, आप जो भी कहना चाहें, तो 2-2 बाई होगी। तो एक कॉमन सेंस भी अंडरस्टूड भी है कि 4 है तो 2-2 होंगी। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से निकाल कर अपने आप को श्योर भी कर सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, ओके। तो ये आ गया हमारा अपर हाफ में 2 बाय, लोअर हाफ में 2 बाय। और टोटल राउंड होंगे हमारे 4। देखिए राउंड कितना होता है, जो ये 2 की पावर हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, ये होता है हमारा राउंड। तो कितनी बार हुआ? 1, 2, इसको काउंट कर लीजिए, 3 और 4। जितनी बार हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाय निकालने के लिए, उतने हमारे टूर्नामेंट में राउंड होंगे। तो यहाँ पर 4 बार हो रहा है तो 12 टीमों के टूर्नामेंट में 4 राउंड होंगे, ओके। आगे चलते हैं, पिक्चर बना के देखते हैं। अब देखिए दो चीजें आपने सीखी, टीमों को कैसे डिवाइड करना है, बाय कैसे निकालना है, और बाय को कैसे डिवाइड करना है अपर लोअर हाफ। ये देखिए टीमों को हमने निकाला था, फिर बता रहे हैं बार बार, इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आपके दिमाग में बातें फिट बैठ जाए। ये है टीमों को डिवाइड करने का फॉर्मूला एन। अब हमने 12 टीमें ली हैं यहाँ पर, एन बाय 2, तो ये आ गया 6। चेक कर लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब पहले हाफ में भी 6 टीम होंगी क्योंकि हमारा 6 बचा है। ये इवन टीम के लिए फॉर्मूला है, जब हम ओल्ड टीम का करेंगे तो मैं ओल्ड टीम के लिए अलग से बताऊंगी। अब नीचे भी देख लीजिए, 6 ही टीमें होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए कॉमन सेंस है कि इवन टीम है तो दोनों हाफ में बराबर होंगे, लेकिन फिर भी डबल श्योर होने के लिए आप फॉर्मूले से निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप इसको फॉर्मूले से ही करें तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, ये हमारा सेकेंड हाफ हो गया, ठीक है। अब हम देते हैं बाय। मैं आपको बाय देने का पैटर्न बता चुकी हूँ कि सबसे पहली बाय कहाँ आएगी? सबसे पहली बाय आएगी आपके लोअर हाफ के सबसे नीचे वाली टीम के पास, ठीक है। सब दूसरी बाय आएगी आपके अपर हाफ की टॉप टीम पर। ये ध्यान रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बाय कौन सी टीम को देंगे या सेकंड बाय कौन सी टीम को देंगे। थर्ड बाय पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, थर्ड बाय दी जाएगी जो लोअर हाफ होगा उसकी टॉप टीम को, ठीक है। ये 7 इज द टॉप टीम ऑफ लोअर हाफ। एंड फोर्थ बाय हमारी दी जाएगी अपर हाफ की लोएस्ट टीम को यहाँ पर। तो ये पैटर्न यही होता है, सबसे पहले नीचे, फिर टॉप पे, फिर बीच में, एंड फिर बीच में। तो ये आपको पैटर्न याद रखना है, ठीक है। सिंपल है, 4 ही बाय हैं 12 टीमों में, 4 टीमों को। इसका मतलब कि इन जो 4 टीमों को, टीम नंबर 1, टीम नंबर 6, टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 12, ये टीमें पहले राउंड में कोई मैच नहीं खेलेंगी, ये रेस्ट करेंगी, ठीक है। अगर हम बिल्कुल एक मैच सिनेरियो में आपको लेकर चलूं, मान लीजिए टूर्नामेंट चल रहा है 12 टीमों का और मुझे बाय मिल गई, मैं टीम नंबर 1 हूँ, ठीक है, तो मैं रेस्ट कर सकती हूँ, मैं घूम फिर सकती हूँ, मैं अपने अपोनेंट्स का मैच देख सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरा मैच नहीं है उनसे,
अब देखिए मैच किस किसका होगा, टीम नंबर टू का और थ्री का मैच होगा। तो ये जो मैंने बीच में नंबर लिखा है ना रेड कलर का, ये है टेंटेटिव टीम जो जीत गई है मेरे हिसाब से, हम पेपर पे बना रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए असली में टूर्नामेंट हो रहा है तो टीम नंबर टू मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है तो वो जीत गई। तो यहाँ तो मेरी मर्जी है, यहाँ तो हमारी मर्जी है, और ये लिखने से ना आपको क्लियर होता है। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बनाते चली जाऊँ और लास्ट में कह दूँ कि टीम नंबर फाइव जीत गई तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो दो और तीन का मैच हुआ, तीन जीत गई। अगला मैच हुआ टीम नंबर फोर टीम नंबर फाइव, इसमें हम मान लेते हैं कि फाइव जीत गई, ठीक है। आप फोर को भी जिता सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा क्योंकि बिना आप टीम लिखे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। टीम नंबर एट नाइन का मैच हुआ, नाइन जीत गया आप, ठीक है। टेन इलेवन का मैच हुआ, इसमें से हमने टेन को जिता दिया क्योंकि टेन सच्ची का नंबर तो मजाक की बात है, अरे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखिए क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई टूर्नामेंट में आपको अपने दिमाग से लिखना। तो यहाँ पर हमारा पहला राउंड हो गया, इस पहले राउंड के अंदर चार टीमों को बाय मिले और चार मैच हुए, ठीक है। ये प्रेस रिलीज आप जारी कर सकते हैं, अगर आप रियल में टूर्नामेंट करा रहे हैं तो शाम को जब पता आएंगे तो आप बोल सकते हो कि फलाना फलाना जी चार मैच हुए, चार टीमें जीत गई, चार हार के बाहर। अब देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टीम हार गई ना, टीम नंबर टू हार गई पहले राउंड में, फोर हार गई, एट हार गई और इलेवन हार गई, तो भैया पैक करो बैग और निकलो, ठीक है। क्योंकि नोका टूर्नामेंट का मतलब ही ये होता है, जहां आप टूर्नामेंट में जिस राउंड में हारे आप बाहर जाइए, आप टूर्नामेंट से निकलिए, वहां फिर आपका कोई काम नहीं है। आगे जब मैं लीग टूर्नामेंट आपको समझाऊंगी तो वहां आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है लीग में और नॉकआउट में। लीग में आपके पास चांस होते हैं, नॉकआउट में कोई चांस नहीं हारे और बाहर, तो ठीक है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड शुरू होता है। देखिए इसमें टीम नंबर वन को बाय मिली थी पहले राउंड में, तो अब वो सेकंड राउंड में खेलेगी। तो हम यहाँ पे तीन का और एक का मैच होता है, हम इसमें से एक को जिता देते हैं, भाई हमारी मर्जी हम बना रहे हैं। अगर रियल में टूर्नामेंट होगा केकेपी में खेलेंगे तो जो जीतेगी उसका उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम एक अनुमान ही लगा रहे हैं कि वो इन दोनों का मैच हो, ये जीत रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से टीम नंबर पांच जीत के आई थी, इसका मैच हुआ छह से, जिसको कि रेस्ट मिला था पिछले वाले राउंड में, तो हमने यहाँ पर पांच को जिता दिया क्योंकि पांच को ही मेहनत करके आई, ठीक है। छठा तो आराम कर लो। अगला मैच होता है सेवन के बीच में और यहाँ पर टीम नंबर नाइन जो कि जीती है एट और नाइन में से, इनके बीच में यहाँ पर भी हमने नाइन को जिता दिया क्योंकि इसकी बेचारी अफोर्ड करके आई। अगला मैच होता है टीम नंबर टेन और ट्वेल्व जो कि रेस्ट पे थी, अब यहाँ पर हमने ट्वेल्व को जिता दिया, हमारी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड राउंड फिनिश, और जब हमारी प्रेस रिलीज हम शाम को देंगे तो हम बता देंगे जी कि आज के दिन हमारी टीम नंबर वन जीत गई, फाइव जीत गई, नाइन जीत गई और ट्वेल्व जीत गई, और कौन कौन से टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, यहाँ पर टीम नंबर थ्री टूर्नामेंट से बाहर हो गई, यहाँ टीम नंबर सिक्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई, यहाँ टीम नंबर सेवन टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ठीक है, और यहाँ टीम नंबर टेन टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ओके। जो हारता जाएगा वो टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा। और ये जो मैं नंबर लिख रही हूँ, मैं हर स्लाइड में, हर आपको जितने भी बनाती हूँ फिक्चर्स सब के अंदर मैं लिखती हूँ, जिसमें जिस भी कलर से लिखती हूँ, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। तो यहाँ पर जो ये रेड वाला नंबर जो मैं लिख रही हूँ ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विनिंग टीम का नंबर, जो टीम जीत रही है मैं उसका नंबर लिख रही हूँ, यहाँ से कन्फ्यूज मत होना। देखिए जो येलो वाला बॉक्स है ना, इसमें लिखा है बाय का नंबर, इसको टीम के नंबर से कन्फ्यूज मत करना। ये वन टू थ्री फोर ये बाय है, ये टीम नंबर नहीं है, ये चार बाय है जो कि वन सिक्स सेवन और ट्वेल्व नंबर टीम को मिला है। तो जो रेड टीम से मैं लिख रही हूँ वो विनिंग टीम का नंबर है, जो टीम जीतती जा रही है मैं उसको रेड से लिख रही हूँ, और बाकी जो हार गई उसे तो मतलब ही नहीं है, वो तो अपना बेचारे निकल गए बैग उठा के घर को, ठीक है। आइए थर्ड राउंड में चलते हैं। देखिए यहाँ मैच होता है टीम नंबर वन और फाइव के बीच में, और हमने इसमें से किसको जिता दिया, टीम नंबर वन को, ठीक है। अब यहाँ मैच होता है नाइन और ट्वेल्व के बीच में, और हमने किसको जिता दिया, टीम नंबर ट्वेल्व को, ओके। तो इसी के साथ हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। जब शाम को मान लीजिए हम ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं, 12 मैचों का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो हर शाम को हमें प्रेस रिलीज देनी पड़ेगी, तो हम क्या बताएंगे कि आज हमारी टीम नंबर वन जीत गई एंड टीम नंबर ट्वेल्व जीत गई, कौन कौन हारकर बाहर हो गया, टीम नंबर फाइव बाहर हो गई और टीम नंबर नाइन बाहर हो गई। अगला राउंड चलते हैं, एंड दिस इज द फाइनल राउंड, क्योंकि मैंने पिछले वाले सेट स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि जितनी बार टू की पावर मल्टीप्लाई होंगी उतने ही राउंड होंगे टूर्नामेंट में, तो चार बार हुई थी तो चार राउंड होंगे। देखिए फाइनल में मैच हुआ वन और ट्वेल्व के बीच, हमने ट्वेल्व को जिता दिया, ओके। तो ट्वेल्व हमारा टूर्नामेंट का विनर है, ये विनर हो गया और ये हमारा चौथा राउंड खत्म हो गया, ओके। आई होप आपको ये बहुत ढंग से समझ आ गया होगा। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देखिए जितने और भाई इतनी मेहनत लगी ना इसको बनाने में, एक एक पॉइंट के ऊपर एनिमेशन, एक एक पॉइंट के ऊपर चीजें करने में, तो प्लीज जरा इसको लाइक शेयर करने में आपका अंगूठा नहीं दुखना चाहिए, ठीक
ठीक है, जब इतनी मेहनत लगती है तो उस मेहनत को अप्रिशिएट भी करो, क्योंकि बाद में कंप्लेन मत किया करो कि अच्छे टीचर्स नहीं होते, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती आज के टाइम पे। अच्छे टीचर्स होते हैं बट अच्छे स्टूडेंट्स भी तो होने चाहिए, आपको सबको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते किसी को भी, तो ये गलत चीज़ है। आपको कहीं भी सोसाइटी के अंदर कुछ भी अच्छा लगता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप जब तक अच्छे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपके लाइफ में रहेंगी। ओके, तो भाई ये था 12 टीम का फिक्स्चर, जो कि मैंने बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए, खुद से बना के देखिए बिना देखे, और नहीं समझ आता तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए ध्यान से, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, तो फाइनली जय हिंद, अच्छे से पढ़िए, अच्छा काम करिए, अच्छा नागरिक बनिए देश का, अपने देश की सेवा कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका इस टाइम यही सबसे बड़ा कर्तव्य है बीइंग अ स्टूडेंट। धन्यवाद।